हेलो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है दैट ऑफ रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड और एक्स की वैल्यू जो है जीरो से लेके ट्वेल्व के बीच में होनी चाहिए गिवन बाय दिस आर जो रिलेशन है वो क्या है ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी का मोड इज मल्टीपल ऑफ फोर दो नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए फोर का मल्टीपल होना चाहिए फर्स्ट पार्ट तो ये दे रखा है दूसरा क्या दे रखा है इसमें A, B such that A B. A B होना चाहिए और ये क्या है रिलेशन हमने प्रूव करना है ठीक है ये लाइन जो है इसको बाद में समझाएंगे आपको पहले इसका मतलब समझ लो पहले बच्चों ये बता दो मुझे मल्टीपल ऑफ फोर कौन से होते हैं अब क्लास टेन तक तो आपने पढ़े होंगे सर फोर की टेबल जो होती है मल्टीपल ऑफ फोर होती है फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी इस तरीके से सर बट क्या आपने सोचा है जीरो भी हमारा क्या होता है मल्टीपल ऑफ फोर माना जाएगा कैसे हम मल्टीपल ऑफ फोर को कैसे लिखते हैं फोर मल्टीप्लाई वन फोर मल्टीप्लाई टू फोर मल्टीप्लाई थ्री इस तरीके से जो वैल्यूज आती जाती, जाती हैं हमारे पास वो सारी क्या है? Multiple of four होती है मल्टीपल ऑफ फोर होती हैं बट क्या आपने कभी सोचा फोर मल्टीप्लाई अगर जीरो करता हूं तो जीरो वैल्यू आएगी जीरो भी हमारी फोर की मल्टीपल बोली जाएगी ये चीज यहां पर यूज होने वाली है इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको क्लियर हो गई बात ठीक है भाई अब चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के ऊपर यहां पे सबसे पहले ए सेट के अंदर एलिमेंट देख लो बच्चों क्या क्या दे रखे हैं एक्स की वैल्यू जीरो से ट्वेल्व तक है तो जीरो से स्टार्ट कर देनी हमें जीरो वन टू थ्री फोर अप टू ट्वेल्व तक सारी वैल्यू नहीं लिख रहे हैं लिखना चाहो तो लिख सकते हो अब यहां पे हमें रिलेशन बनाना है रिलेशन क्या दे रखा है हमें ए कोमा बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ फोर कि दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो मल्टीपल ऑफ फोर होना चाहिए तो ऐसे पेयर कौन कौन से बनेंगे चलो भाई देख लेते हैं पहला एलिमेंट यहां से पिक करो जीरो जीरो को हम जीरो का पेयर बन सकता है जीरो माइनस जीरो करेंगे जीरो आ गया जीरो हमारा फोर का मल्टीपल है लग गया ना पता क्यों बताया था मैंने आगे देखो जीरो का पेयर किसके साथ बन सकता है फोर के साथ जीरो और फोर का डिफरेंस कितना होगा बच्चों फोर होगा वो भी हमारा मल्टीपल ऑफ फोर है इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं फोर कोमा जीरो तो पेयर बन सकता है आगे देख लेते हैं जीरो का रिलेशन और किसके साथ हो सकता है एट के साथ और 8, इनके डिफरेंस भी 8 है। 8 भी है हमारा मल्टीपल ऑफ फोर होता है ऐसे बहुत सारे पेयर बन जाएंगे फिर वन को ले लो वन कोमा वन भी हो जाएगा हमारा पेयर वन माइनस वन जीरो आ रहा है जीरो मल्टीपल ऑफ फोर है वन का रिलेशन फाइव के साथ हो सकता है 1, का डिफरेंस फोर है फाइव का वन के साथ हो सकता है ऐसे फिर एक और ले लेते हैं टू को टू बन जाएगा टू का सिक्स के साथ होगा सिक्स का टू के साथ और यहां पे टू का हमारा और किसके साथ हो सकता है टेन के साथ टेन माइनस टू कितना हो जाएगा बच्चों एट हो जाएगा तो ऐसे बहुत सारे पेयर बन जाएंगे इतने ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है ऐसे लगा के छोड़ दो ठीक है अब देखते हैं हमें क्या करना है इसको रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक प्रूव करना है देखना है हमें इक्विवेलेंस है या नहीं है या फिर तीनों हमारे सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते हैं फर्स्ट वाले पे चलते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए देखो जीरो कोमा जीरो वन कोमा वन टू कोमा टू बिलोंग्स टू आर है सो दिस इज रिफ्लेक्सिव दिस इज रिफ्लेक्सिव कोई दिक्कत नहीं ये तो समझ में आ गया सर आसान था रिफ्लेक्सिव तो हम जल्दी प्रूव कर लेते हैं आगे कोई बात नहीं डरो मत, यहां से ही ले लो जीरो कोमा फोर बिलोंग्स टू रिलेशन है तो इसका उल्टा फोर कोमा जीरो भी हमारा रिलेशन में प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया सो दिस इज सिमेट्रिक दिस इज सिमेट्रिक ये भी प्रूव हो गया भाई क्लियर है थर्ड पार्ट में चलते हैं थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है ट्रांजिटिव देखना है अब ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना है इनमें से एलिमेंट पिक करने होंगे भाई कैसे कोई भी पेयर ले लो ये वन फाइव फाइव वन क्या होता है ए कोमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है और बी को मा सी बिलोंग्स टू आर है तो ए और सी इसका पेयर भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए चाहिए तभी हम उसको ट्रांजिटिव बोल सकते हैं अब देखो ध्यान से यहां पे वन कोमा फाइव ले लिया तो यहां पे फाइव कोमा समथिंग होना चाहिए हमारा पेयर तो यहां पे देखो हमने वन कोमा फाइव बिलोंग्स टू आर है और फाइव कोमा वन बिलोंग्स टू आर है तो ये देखो ए हो गया ये बी हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया तो ए और सी मतलब वन वन ये भी क्या होना चाहिए बिलोंग्स टू आर तो भाई वन वन बिलोंग्स टू आर तो है तो ये क्या लिख देंगे हम ट्रांजिटिव भी है ये क्या है ये ट्रांजिटिव रिलेशन और अब ये तीनों रिलेशन है तो ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला पार्ट क्या शो कर रहा है ये इक्विवेलेंस है लिख देंगे ऐसे ठीक है क्लियर हो गया ये यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे सेकंड भी बिल्कुल इजी है ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहा है उसने कि ए और बी हमेशा इक्वल होने चाहिए बस सिंपल है ध्यान से देख लो कैसे करेंगे इसको इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां से नंबर मत पिक करना जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टू ट्वेल्व तक क्योंकि वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी क्यों क्रिएट हो जाएगी कहीं पे मैं लिखूंगा वन इक्वल टू टू आप कहोगे सर कैसे लिख दिया ये तो गलत हो गया बट इसके लिए हमें क्या करेंगे लेट इस ए सेट के अंदर से हमने कोई भी तीन एलिमेंट ले 0, 1, जीरो जीरो को मान लिया हमने ए वन को मान लिया बी और टू को मान लिया सी एग्जाम्पल के तौर पर तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम ए बी सी इनसे हम क्या करेंगे अपने एलिमेंट्स बनाएंगे ये मान लो ट्वेल्व एलिमेंट्स हैं। तो रिलेशन के अंदर क्या बन जाएंगे बच्चों हमारे पेयर ए कोमा ए हो सकता है क्योंकि उसने एक वाल बी बोला है क्या बोला है ए इक्वल टू बी तो इनके रिलेशन बनाने के लिए मैंने आपको बता रखा है ना बनाने आए तो ए बी सी मान लो एलिमेंट है दूसरे भी ए बी सी हैं तो ए का ए के साथ रिलेशन का बी के साथ A का सी के साथ तो ए हो गया ए बी हो गया ए सी हो गया फिर बी के रिलेशन देख लो बी ए हो गया बी बी हो गया और बी सी हो गया फिर ऐसे ही हम सी का ए के साथ रिलेशन सी का बी के साथ रिलेशन सी का सी के साथ रिलेशन ऐसे बन रहे हैं अगर मान लो आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है सर ए बी सी तो नहीं लूंगा मैं तो नंबर ही लूंगा ले लो भाई नंबर ले लो तो सेट के अंदर क्या है हमारे एलिमेंट्स जीरो वन टू इस तरीके से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे पेयर बन जाएंगे कंफ्यूज हो जाओगे जीरो वन टू के पेयर क्या क्या बन सकते हैं जीरो वन टू ऐसे ही जीरो वन टू जीरो का जीरो के साथ पेयर हो सकता है तो रिलेशन में क्या क्या आ जाएंगे जीरो जीरो फिर जीरो वन फिर जीरो का टू के साथ फिर वन का वन, वन का जीरो के साथ वन का वन के साथ वन का टू के साथ फिर टू का जीरो के साथ टू का वन के साथ और टू का टू के साथ ये पेयर बन गए हमारे अब दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो चलो भाई इसी से बता देता हूं मैं वैसे ये भी स्टिक मेथड होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स लेने होते हैं तो अगर ये अच्छा ना लगे तो यहां पे ऐसे पेयर बना लो अब इसको देख लो भाई रिफ्लेक्सिव फर्स्ट पार्ट जीरो जीरो वन वन टू टू प्रेजेंट है जीरो जीरो वन वन टू टू बिलोंग्स टू आर है सो so, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है बिल्कुल है सर सेकेंड पे चलते हैं जीरो वन देखो बच्चों यहां पे प्रेजेंट है जीरो वन बिलोंग्स टू आर है तो इसका उल्टा वन कोमा जीरो भी क्या है बिलोंग्स टू आर है ये ये रहा तो ये क्या हो जाएगा सो so, सिमेट्रिक भी है कोई दिक्कत नहीं सर ये भी आ गया क्लियर है थर्ड पार्ट पे चलते हैं अब यहां पे देखो मान लो जीरो लिया आपने बिलोंग्स टू आर है और फिर हमने ले लिया वन कोमा टू ईरा क्योंकि ये ये एलिमेंट सेम होना चाहिए ये भी बिलोंग्स टू आर है तो जीरो कोमा टू भी हमारा क्या होना चाहिए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ये है तो जीरो कोमा टू भी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सो so, ट्रांजिटिव भी है तो ये तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे सो दिस इज इक्वी बैलेंस दिस इज इक्वी बैलेंस रिलेशन हैंड प्रूव्ड हैंड प्रूव्ड तो नहीं हाँ हैंस प्रूव्ड रिकविवलेंस ही दिखाना था हमें हो गया प्रूव क्लियर हो गया अब भाई लास्ट वाली बात देख लेते हैं फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस हमें क्या करना है यहां पर बच्चों की हमें वन से रिलेट करने वाले सारे एलिमेंट्स के पेयर लिखने हैं क्या लिखने हैं ध्यान से देखो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस वन से रिलेट करने वाले केस कौन कौन से बन रहे है? पहले वाले में चलो भाई पहले वाले में देखो ये वाले केस जो है कौन कौन से हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा वन 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 फाइव फाइव वन इस तरीके से मतलब जिसमें वन आ रहा है वो एलिमेंट्स लिखने थे हमें तो ये बन गए तो यह, यहां पे क्या लिख देंगे हम आर एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन रिलेटेड टू वन और भी बन सकते हैं वन कोमा नाइन भी बन सकता है और नाइन कोमा वन भी बन सकता है क्योंकि वन नाइन का डिफरेंस भी एट होगा वो भी फोर का मल्टीपल है तो ये बन गए हमारे रिलेटेड टू वन यहां पे क्लियर हो गया अब इस वाले पार्ट में आ जाओ बच्चों इस वाले पार्ट में कौन कौन से बन रहे हैं हमारे वन से रिलेट करने वाले ये जीरो वन वन जीरो वन 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 टू टू वन ये रिलेशन हो गए हमारे तो यहां पे क्या लिख देंगे हम जीरो वन वन जीरो वन वन टू जीरो टू जीरो नहीं टू वन वन आना चाहिए और वन टू आर एलिमेंट्स रिलेटिड टू वन ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है जिसमें वन आ रहा है ना हमारे पेयर में वो पेयर लिखने हैं बस हमें और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में समझ में आ गया क्लियर है कोई डाउट लगे तो आप पूछें मुझसे अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल नेक्स्ट क्लासेज